हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राशिद खान। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वो किला दिखाएंगे जहाँ पे हुई थी माधुरी दीक्षित की डियर इश्किया फिल्म की शूटिंग। तो ये फिल्म 2015 में रिलीज़ हुई थी और इसमें जो अभिनेता थे वो थे नसरुद्दीन शाह, अरशद वारसी, और जो अभिनेत्री थी वो थी माधुरी दीक्षित और हुमा कुरैशी। तो चलो चलते इस किले के अंदर, वो आपको वो हर एक लोकेशन दिखाते हैं जहाँ पर हुई थी फिल्म की शूटिंग। तो इस किले में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये सारे लोकेशन जो फिल्म में शूट हुए हैं। दोस्तों, ये किला उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में पड़ता है और इस कस्बे का नाम है अवध महमूदाबाद और यहाँ के राजा का नाम है राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान। दोस्तों, आप लोग पीछे देख सकते हैं ये सारे सीन फिल्म में लिए गए हैं और हम आपको बैक कैमरे से वो सारे लोकेशन दिखाते हैं जहाँ जहाँ पर फिल्म की शूटिंग हुई है। दोस्तों, फिल्म में सबसे पहला सीन इस किले का ये गेट दिखाया गया है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, आप देखते रहना। फिल्म में सबसे पहले इस गेट को दिखाया जाता है, जैसे हम मोबाइल का कैमरा दिखा रहे हैं सेम ऐसे फिल्म में भी ऐसे ही दिखाया गया है। और उसके बाद सामने ये महल दिखाया गया है, हम इसकी शॉट लगाते जाएंगे, आप देखते रहना। ये सामने का सीन लिया गया है और ये बहुत ही पुराना किला है और बहुत ही खूबसूरत किला बना हुआ है और फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर यहीं पर हुई है। आप देखते रहिए, यहाँ पर ये सारे सीन फिल्म में दिखाए गए हैं और साइड का जो ये सीन है इस एंगल से भी फिल्म में दिखाया गया है। और सामने एक छोटा सा जो पार्क बना हुआ है इसके भी कई सारे सीन हैं। और ये सामने का गेट है, ये देखिए करीब से दिखा रहे हैं आपको महल। दोस्तों, जब नसरुद्दीन शाह की एंट्री होती है और जब गाड़ी से उतरते हैं तो वो सीन यहीं पर दिखाया गया है, आप इस शॉट में देख लेना, वो सीन यहीं पर दिखाया गया है। और ज़्यादातर फिल्म में रात के सीन लिए गए हैं, दिन के सीन बहुत ही कम है फिल्म में। जो दिन के सीन है हम वो आपको दिखा रहे हैं, रात के सीन समझ में नहीं आते हैं कहाँ पर हुए हैं। और ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ये महल, यहाँ पर भी कई सारे सीन लिए गए हैं, इसके ऊपर के छत के ऊपर के सीन फिल्म में लिए गए हैं। इस तोप के सामने से भी थोड़े सीन लिए गए हैं जो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये भी सीन फिल्म में लिया गया है। ये जो आप जो विंडो दिख रही है ये फिल्म में इसके सारे कई सारे सीन हैं। और इस पार्क के भी कई सारे सीन हैं। और दोस्तों, जो फिल्म में गाना हुआ था हमरे डरिया पे आजा रे सवरिया, वो गाना इस महल के अंदर शूट हुआ था। यहाँ पर गाने के कुछ सीन्स यहाँ बाहर शूट हुए थे और कुछ सीन इस महल के अंदर सीन शूट हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ सीन फिल्म के लिए गए हैं। और ज़्यादातर फिल्म की शूटिंग इस महल के अंदर हुई है यहाँ पर। और इस जो मैदान आपको दिख रहा है, यहाँ पर मुशायरा भी दिखाए गए हैं फिल्म में। और नसरुद्दीन शाह का एक सीन यहाँ पर लिया गया है जब बाइक से हो जाते हैं। और ये चमन के कई सारे सीन हैं, ये सामने के भी कई सारे सीन हैं, यहाँ पास के भी फिल्म में बहुत सारे सीन हैं। और ये जो सामने का गेट है यहाँ के भी सीन है, जब अरशद वारसी गाड़ी लेकर अपने बाहर निकलते हैं वो सीन यहाँ पर दिखाया गया है, ये सीन सामने से लिया गया है फिल्म में। माधुरी दीक्षित कहाँ पर उतरी थी? यहीं से गई थी। पूरे फिल्म की शूटिंग यही हुई थी ना? पूरी फिल्म यहाँ बनी है, कुछ बाहर की रहे पूरी नहीं हुआ, जेल वेल हो गई है पार्क में। पार्क में? अच्छा। हाँ, दूसरी जो है पार्क है वो जिरानी फुलौरी, वहाँ भर रहा शूटिंग, वहाँ जेल वेल बनी है, वहाँ सेलिंग पुल बना है ना, वहाँ पत्थर गेट लगा है पार्क, वहाँ उस तरफ जंगल बहुत है। जंगल बहुत है वहाँ।